लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी उसका जवाब तो सबसे पहले ही दे दें, क्योंकि आप सभी का कहना है कि मेरा प्रश्न आप लास्ट में पूछते हैं, तो मैं आज सबसे पहले आपका ही प्रश्न पूछ लूंगा। और मैं चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी संक्षिप्त में, खास करके नियुक्ति पत्र मिलने का समय बहुत नजदीक है, हमारे साथी उत्सुक हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो बोलेंगे वो आप सभी के लिए अच्छा ही बोलेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी 3 दिनों से लगातार करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल, शपथ पत्र, विद्यालय कैसे ढूंढूं, इसको लेकर के हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बिहार के तमाम सभी अभ्यर्थियों को और खासतौर से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, जो परिस्थितियां जो पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूं, उसमें अभ्यर्थी परेशान हैं और जो नियोजन इकाई है वो भी परेशान है। सब लोगों में अपनी अपनी जिम्मेवारी को लेकर के परेशान है, कोई शपथ पत्र को लेकर के, कोई स्व घोषणा को लेकर के, या भिन्न भिन्न तरह के जो प्रश्न हैं जो मतलब आ रहे हैं। और एक बात की मुझे खुशी है कि रवि सर, चूँकि वो ट्विटर के माध्यम से ही उन्होंने कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी को किसी तरह की परेशानी है तो मुझे टैग करके ज़रूर मैसेज करें और उस समस्या का समाधान किया जाएगा। मैंने देखा कि 3-4 प्रश्न ऐसे थे जिसका समाधान उन्होंने किया है और इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जितने तरह के कंफ्यूजन जो पैदा किया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण अभ्यर्थी है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, जो दिशा निर्देश जारी हुआ उस दिशा निर्देश को एक बार भी नहीं पढ़ा होगा। मैं बार बार कहता हूं कि उसको एक बार, दो बार, 3 बार पढ़िए, एकदम स्थिर होकर के पढ़िए, और जो उसमें से समझ में नहीं आता उसको नोट आउट कर लिए और उसी पॉइंट पर आप बात करें। तो यहां होता क्या है कि जरा सा भी कहीं कुछ पढ़ने के जो बातें आई पढ़ेंगे नहीं, और उसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं स्वतः, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि वो दिशा निर्देश जो जारी किया गया है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और उसके साथ साथ अगर कोई पॉइंट में आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको आप नोट आउट कर लीजिए, और तब जाकर के कभी, जैसे अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उनको मैसेज आप करें और उस पर जो यहाँ पर जवाब आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इतनी भी कंफ्यूजन, कोई कह रहा है कि 12 सेट में बनाना चाहिए, कोई कह रहा है कि ये होगा वो होगा, रात दिन जो व्हाट्सएप पर कुछ लोगों का इस तरह के मतलब ह्यूमर फैला देता है लोग कि जो सही भी काम करने वाला वो भी कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, ह्यूमर फैला दिया गया कि 2 सेट बना लीजिए, 2 सेट बना लीजिए, और आज देखिए उन्होंने क्या कहा, एक ही सेट बनाइए और उसका फोटोकॉपी करा करके अटेस्टेड वहां करा लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा, जहां आपको जरूरत हो उसको दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि अभी आपको शपथ पत्र बनाने, और शपथ पत्र के बारे में भी रवि सर ने क्लियर कर दिया है कि जिला जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, इतनी समस्या है सतीश जी, खास तौर से महिलाओं में, निवास स्थान पति के घर के बना लिए हैं, आधार कार्ड पिताजी के घर का है तो कौन सा एड्रेस हम दें, इतनी कंफ्यूजन की समस्या को समाधान करना इतना आसान नहीं। बहुत तरह के क्वेश्चन है, मैं सारी क्वेश्चन को नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि जो चीजें हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा ये नहीं है कि आप इतना इसको विशाल समझ रहे कि हमसे होगा ही नहीं। आप सबसे पहले शपथ पत्र बनाइए, और रवि सर ने भी कहा है कि आप चाहे तो होम डिस्ट्रिक्ट से या जहां पर आपका नियोजन होना है, नियुक्ति मिला, वहां से भी आप बना सकते हैं शपथ पत्र के लिए।
और स्व घोषणा पत्र में उन्होंने साफ कर दिया है कि स्व घोषणा पत्र में आपको अपने से, हम लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, स्व घोषणा का क्या मतलब होता है? सेल्फ डिक्लेरेशन उसको कहा जाता है, हम घोषणा कर रहे हैं। तो उसमें आपको मजिस्ट्रेट साहब जिम्मेवारी लेंगे, बहुत सा पेपर में निकाल दे के मजिस्ट्रेट से बनाना होगा। स्व घोषणा को आप भरेंगे, आप फोटो साटेंगे, और फोटो के नीचे में जो स्थान और डेट है उसको नहीं भरेंगे आप, उसको खाली रखेंगे, बाकी सबको भर दीजिएगा, जहां हस्ताक्षर करना हस्ताक्षर करिए। लेकिन जो स्थान और जो तिथि दिया उसको छोड़ दीजिए। आप जिस दिन भी आपको चाहे स्कूल में जाना हो, चाहे आप नियुक्ति पत्र लेने जाना हो, उस समय सामने उनका उस डेट को डालिए। हो सकता है स्कूल वाला कहेगा कि आप पहले काहे बना लिए, तो चलिए आपके सामने ही हम डेट भर देते, क्या दिक्कत है भाई। इस तरह की चीजें होनी चाहिए शपथ पत्र के लिए। शपथ पत्र आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्व घोषणा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर की बातें, मतलब जो है वो दरभंगा के जो डीओ साहिबा हैं, उन्होंने वो तो और अपने कंफ्यूजन में है, उनको तो क्लियर है पता नहीं है कि हमको क्या करना है। सबसे ज्यादा कानून जी कानून बनती आते वही, उन्होंने पेपर में निकलवा दिया, का किया, घोषणा करवा दिया, चिट्ठी भेजवा दिया, और उसके चलते दो दिन तीन दिन सब परेशान। लास्ट में लगातार रवि सर को ट्वीट किया गया, तब वो कहे कि नहीं नहीं वो चीज नहीं बने। और कैरेक्टर के लिए करें ना, अप्लाईओ करके दीजिए। अरे भाई अप्लाई करके देगा तो उसका कैरेक्टर सही है कि नहीं है कैसे पता चले? तब वो प्रमाण पत्र बनेगा तब ना, कई दिन तो समय लगता है ऐसे, अब तो शायद कुछ कम हो गया, 14 दिन लग रहा। तो इस तरह की चीजें हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं बनानी है, अभी फिलहाल आप शपथ पत्र बनाइए और स्व घोषणा पत्र बनाइए बस। और जब आपकी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तब जाकर के आप सिविल सर्जन से बनाइए। आज देखिए, मैं इस बात को क्लियर करने के लिए मैं खुद ही पटना के गर्दनीबाग हॉस्पिटल में गया, बहुत तरह की चीजें हो रही थी, हम चाहते थे कि इसको क्लियर होना चाहिए, मैं खुद गया था वहां, क्योंकि वो जो सिविल सर्जन विभा कुमारी उनका नाम है, वो तो नहीं थी, लेकिन उनका स्टोनो साहब से, गिरीश कुमार करके उनके स्टोनो हैं, उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा कि सर जो नियुक्ति पत्र के पश्चात हम लोगों को जो बनाना है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पटना है, तो क्या सर हम यहाँ से बना सकते हैं ना, यहाँ से बनेगा कि नहीं? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यहाँ से आपका नहीं बने, आपका जहाँ नियुक्ति होना है वहीं से बने। तो हमने बोला कि ये कौन सा नियम है सर, ये कहाँ लिखा हुआ, कौन सा नियम है? वो तो चाहेगा तो कहीं से भी बना सकता है। तो नहीं नहीं नहीं, बिहार के सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। हम कहें कि कटिहार के आकर के गर्दनीबाग बनाएंगे, किशनगंज के आकर के गर्दनीबाग बनाएंगे, ये क्या तर्क आप दे रहे हैं कि बिहार माने यही कारण से कह रहे हैं कि यहाँ नहीं बने? अरे भाई जिम्मेवारी हर कोई, आपको कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट वाले जो भी हैं उनका तो बनाइए आप, माने उनका दरभंगा में चयन है, किशनगंज में कहीं पर भी चयन है, ये तो कहीं नियम है ही नहीं। अल्लाह तो लिख के दीजिए कि हम यहाँ से नहीं बनाएंगे। तो वो चीज जो है बहुत थोड़ा सा उनसे टॉकिंग हुआ, लेकिन फिर भी वो नहीं माने, बोले कि नहीं यहाँ से नहीं बनेगा, आपका जहाँ है वहां नियुक्ति पत्र लीजिएगा, फोटो कॉपी करा करके चले जाइएगा, वहीं से बनेगा। तो इस तरह का जो है गर्दनीबाग के द्वारा जो वहां का हमने गया, खुद मैं गया था, और भी कैंडिडेट थे, बहुत से कैंडिडेट आए हुए थे, तो उनका ये कहना है, ठीक है? तो वो तो बाद की चीज है, लेकिन अभी आप लोग शपथ पत्र बना कर लीजिए, और उसके साथ साथ अब देखिए कुछ कुछ समस्याएं हैं जो बीच में आ रही हैं, बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। ऑनलाइन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो वेबसाइट है उसमें बहुत तरह के मिस्टेक आ रहे हैं, बहुत कैंडिडेट को, कभी कुछ का हाइफन छूट गया, कभी कुछ छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, और उसके कारण रिजेक्ट हो गया। इसे देखिए रिजेक्ट नहीं हुआ, उसको रिजेक्ट नहीं कहिएगा, क्योंकि उसको बाद में जब बोर्ड ऑफिस में भेज करके टीआर से उसकी वेरिफिकेशन होगी, अब टीआर में जो सही होगा उसके आधार पर फिर उनको जिनका सही होगा उनको फिटफोर किया जाएगा, और फिर उनको बाद में नियुक्ति होगी। लेकिन अभी फिलहाल उनको
जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उनका नियुक्ति पत्र नहीं मिले। और ये घोषणा अब देखिए कि मधुबनी के जो डीओ साहब ने कर दिया, वह हर एक जिला में कहीं ना कहीं इस तरह का मैटर आया होगा। चूंकि हुआ क्या था कि जब कंप्यूटराइज हुआ, कंप्यूटर पर जो मार्क्स चढ़ाए गए, स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जाहिर है कि जो चढ़ाने वाला उसको क्या चिंता लगा हुआ कि गलत हुआ कि सही हुआ। लेकिन टीआर जो होता है वो टीआर सही होता है। टीआर जो आपका रिजल्ट में जो आपका जो मूल प्रमाण पत्र अगर मिला है तो वो टीआर से ही मिला है। क्योंकि जब भी रिजल्ट बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट बनता है कलकत्ता से, दिल्ली से, और वहाँ पर इनका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का वहाँ पर टैग है, वहाँ से एक कोई वहाँ कहती है उसी से ही लोग बनवाता है। तो वहाँ से जब बनता है, एक तो आपको रिजल्ट में आ गया आपके हाथ में, और टीआर जो बना तो टीआर भी तीन कॉपी बनती है, वो एक तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, एक तो जहाँ कंप्यूटर में बनता है रिजल्ट वहाँ, और एक तो आपको विद्यालय में भेज दिया जाता है। तो टीआर में गलत नहीं हो सकता, और अगर टीआर में भी गलत होता है तो फिर उसके लिए स्कूल से फॉरवर्डिंग करा के वगैरह जो भी बहुत तरह का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो जो हम लोगों को जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो वेबसाइट है जहाँ से लोड किया गया, जहाँ पर इसको लिखा गया, वहाँ से कहीं त्रुटि आ रही है, तो इसको हाइपन छूट गया। आप बताइए जो सीटेट का रिजल्ट है या जो एनआईएस का रिजल्ट है या कोई भी और भी रिजल्ट है, जहाँ पर सुधार होता ही नहीं तो उसका रिजल्ट का क्या होगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। इसको क्या करेगी सरकार? अब वो कह रहा है कि हम सही भरे थे, गलत हो गया, कोई गलत कैंडिडेट भर दिया है, तो गलत तो मान लीजिए सारा सर्टिफिकेट में सही है, अब उसमें हाइफन छूट गया, कुछ छूट गया, तो उसको दिक्कत होगा। अब उसके लिए क्या बाद में प्रोसेस निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा, वो तो बात की चीज है। इस तरह का समस्या आ रही है, बहुत सी समस्या आ रही है। जी सतीश जी, आगे भी और प्रश्न तो पूछिए। जी सतीश जी बोलिए। कवि जी हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कवि जी कट गए हैं। राहुल झा जी हमारे और आपके कोल टीम के जो संस्थापक हैं रोशन झा जी, लगातार तीन दिनों से प्रयास कर रहे हैं दरभंगा में, और उसका परिणाम आज देखने को मिला। कई साथी ने तो मुझसे शर्त भी लगा लिया था और उस शर्त में मैं विजय पा लिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को। सर, सबसे पहले आपने देखा होगा कि दरभंगा में विद्यालयवार विषयवार ऐसा कहा गया था तो रिक्ति जारी कर दिया गया है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभ्यर्थियों में। वो कह रहे हैं कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, तो इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? नहीं सतीश जी, एक्चुअली क्या है ना कि अभ्यर्थी जो भी रिक्ति देखे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो रिक्ति हमें मतलब जब काउंसलिंग जब हमारी विज्ञापन आई थी उस वक्त के रिक्ति और वर्तमान के रिक्ति में अंतर देखा जा रहा है। तो इस तरह से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ऐसे अभ्यर्थी को कंफ्यूज नहीं होना है। जिनका काउंसलिंग जिन नियोजन इकाई में हो चुका है उनको जो है सो प्रतिनियुक्त सब उसी नियोजन इकाई के द्वारा प्रतिनियुक्त कर किया ही जाएगा, और उसमें कोई संदेह की बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैं जैसे गौर कर पा रहा हूँ, जैसे विषय वार रिक्ति की बात आती है तो जैसे कोई स्कूल क्या किया है कि मतलब अपने स्वेच्छानुसार इस वक्त शिक्षक छात्र अनुपात में रिक्ति ना भेजकर जो मांगा गया है उसमें बोल दिया कि मेरे स्कूल में एगो सामाजिक विज्ञान का है, एगो सोशल मैथ साइंस का, ऐसे करके वो जो है सो भेज दिए रिक्ति। उसमें वो प्रावधान नहीं उसमें किए कि छात्र और उसका ध्यान नहीं रखा गया है कि छात्र और शिक्षक के अनुपात में जो रिक्ति चाहिए वो मतलब देना चाहिए होगा जो कि विज्ञापन के समय में दिया गया था। तो इस तरह की शंकाएं हैं अभ्यर्थियों के मन में, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोग निसंदेह इस शंका से दूर रहिए।
और कल का भी जो परिस्थिति जो कैरेक्टर को लेकर जो बातें उत्पन्न हुई उसमें हमारे रोशन झा जी का बहुत ही अहम योगदान रहा। और रोशन झा जी का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्ट डीओ से जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मनी मोल लेकर ये काम अभ्यर्थियों के हित में हम किए हैं। और वो अब मतलब शिक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मतलब अपशब्द भी और रोशन झा जी को बोला गया और मतलब एक तरह से कह सकते हैं टारगेटेड भी उनको किया गया। लेकिन रोशन किया जा रहा अभी भी वो मतलब लगे हुए हैं कि मतलब उस लड़का को दूर करो हमसे दिस दैट जो भी कहे अब उतना डीप हम नहीं बोलेंगे। तो मतलब बहुत तरह से उनको समस्याएं आई लेकिन उसके बावजूद भी वो मतलब उसमें लगे। और संजोग था कि कल हम भी शपथ पत्र बनाने के लिए गए थे तो हम और रोशन जी भी थे और बहुत से दरभंगा के साथी थे तो उन लोगों के साथ हम लोग हम और रोशन जी गए डीएम कार्यालय भी इस मैटर पे मिलने को लेकर। तो डीएम कार्यालय जब गए मिलने के लेकर तो बातचीत हम रोशन जी अंदर गए डीएम के कार्यालय में जो उनके असिस्टेंट थे उनसे मिलने के लिए। तो फिर उनको मैं सारी बातों को संज्ञान में दिया तो उनके तरफ से बोला गया कि ऐसा बात है कि चूंकि शिक्षा से संबंधित खबर है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते इंटरफेयर इसमें जो है सो शिक्षा विभाग ही करेगा। तो हम लोगों ने फिर उनको स्पष्ट इस बात को समझाया कि महोदय कि आप जो अपर मुख्य सचिव और के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें एक पत्र जो है सो एक प्रतिलिपि जिला अधिकारी को भी आया है और आपके ही जिला में कैरेक्टर की मांग की गई है तो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी की अगर ऐसे करते हैं और शब्दों का भी वो उपयोग करते हैं तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी मैं तुरंत आपके मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो तुरंत फोन लगाए डीओ साहब को तो डीओ मैम को फोन लगाया तो डीओ मैम बोली कि ठीक है अभी हम थोड़ा बेचैन मतलब थोड़ा 10th का एग्जाम था काफी प्रेशराइज थे तो उस समय में आके हमको जिस मतलब अभ्यर्थी लोग परेशान करने लगे इस कारण हम उनको कुछ से कुछ बोल दिए लेकिन हम जो है सो सर बस हम तुरंत सर अभी टाइप करवा ही रहे हैं लेटर और उस लेटर को हम टाइप करवा कर उन लोगों के दबाव में हम मतलब जब आए सारे बातों को समझें तो हम इस पर जो है स्पष्ट दिशा निर्देश के लिए हम लोग ने जो है सो जिला शिक्षा थी हमारे जो प्राथमिक निदेशक है उनको मैंने पत्र भेजा है तो का जो जवाब आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। और वो जो पत्र जो भेजी थी मैडम वो पत्र जो है सो उस डीएम के जो पीए थे उनको भेज दिया गया तो वो हमको फिर व्हाट्सएप कर दिए तो वही लेटर सब जगह वायरल हुआ। फिर तो कहने का मतलब है कि इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद जो है सो रोशन झा जी उसमें बहुत ही अथक प्रयास अपने नेतृत्व में कोर टीम के जो मतलब उस जिला के नेतृत्व में पूरी तरह से मजबूती से इस काम करके और आज हम लोग देख रहे हैं कि वो लेटर स्थगित हुआ। और इस तरह का बातें हैं आप जब रिक्ति वाली समस्याएं आई हैं तो अभ्यर्थी काफी हुआ पो की स्थिति में हमको भी बहुत से फोन्स आ गए हैं बहुत से इस मैटर में मैसेज आ गए हैं। तो चूंकि अब मैं इतना तो जरूर आश्वस्त करूंगा कि अगर आपका काउंसलिंग हो गया है उस मतलब जिस मतलब सीट के रिक्त के विरोध तो आपका वहां पर ज्वाइनिंग होना ही है कोई नहीं रोक सकता है। कहीं ना कहीं विद्यालय के द्वारा जो दोबारा रिक्ति मांगा गया है वो उनकी कमियों के कारण इस तरह की समस्याएं या व्यवधान उत्पन्न हुई है और कोई बात नहीं है क्योंकि क्योंकि विज्ञापन के वक्त जो रिक्तियां निकली गई वही मान्य है और उस रिक्ति के अनुसार अब जो है सो मतलब उस पर काम करना है और कोई उसमें अंतर नहीं आने की बात है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं शिक्षक के द्वारा शिक्षक और छात्र के अनुपात को ख्याल नहीं रखा गया जो विज्ञापन के समय में दिया गया था इसके कारण ही इतना बड़ा संकट मतलब लोगों के मन में हुआ आपको की स्थिति आई है उसे जल्द से जल्द सुधार कर लिया जाएगा। आप लोग अपना जो है सो डॉक्यूमेंट संबंधित जो बातें हैं उनका पूरा तरह से तैयारी करें ताकि नियुक्ति पत्र लेने में कोई प्रकार की समस्याएं नहीं आए। जी सतीश जी जी सर मैं आपके पास में आऊंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी जाऊंगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन उससे पहले हमारे कवि जी गए थे शपथ पत्र बनाने के लिए और अप्लाई भी कर दिया था इन्होंने मतलब बहुत ही देखा जाए तो एक तरह से जो अधिकारी हैं पदाधिकारी हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जुगेश राज कवि जी आप मुझे ये बताने का कृपा करें कि आप आज गए थे या कल गए थे शपथ पत्र बनाने के लिए तो आपको क्या क्या करना पड़ा था अभी भी बहुत साथी अभी तक नहीं बना पाए हैं। धन्यवाद सतीश जी। तो है क्या यहाँ पर कि खरिया में जैसे है कि एसडीओ
जब मैंने बनाने के लिए गए थे, कल ही सब कुछ बना करके दे दिए, बहुत लोग कह रहा था दो बना दीजिए तो हम दो अप्लाई कर दें। लेकिन आज समस्या क्या हुआ, दोनों को रिजेक्ट कर दिया, नहीं जहाँ आपका गौप मैंने कि अनुमंडल है वहाँ आप जाए कीजिए, यहाँ आपका जिला है, ये जिला खगड़िया है, यहाँ के अनुमंडल से आपका नहीं बनेगा। हम बोले भी कि ऐसा तो नियम नहीं है, कल के नहीं हमको ऐसा निर्देश है, हमको करना है, जो करना है हमको करना है, आप चाहिए आप अपना गौरी जाइए, गौरी मतलब